इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ एमसीक्यूज। ये सीरीज का पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पार्ट आप जाकर देख लें। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ उन टॉपिक से एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जिनके थ्योरेटिकल वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, और मैं सजेस्ट करूंगा आपसे कि आप उनको देख लें। जैसे कि इस वीडियो में एमसीक्यूज होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट से, रेजोनेंस से, थ्री फेस इंडक्शन मोटर से और डीसी जनरेटर से, और पावर फैक्टर के भी कुछ इसमें एमसीक्यूज होंगे। इन सभी टॉपिक्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाकर जरूर देख लें। वैसे मैं कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन को यहीं पे समझाने की, लेकिन पूरा टॉपिक समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कहीं अटकते हैं या आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है तो वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देख लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि किसी भी इंसुलेशन के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आरएमएस वैल्यू पर, पीक वैल्यू पर या एवरेज वैल्यू पर। तो देखिए, कोई भी मान लो केबल बनाया जाता है या कोई भी और इक्विपमेंट हमारा बनाया जाता है, वो हमेशा पीक वैल्यू के हिसाब से उसका इंसुलेशन डिजाइन किया जाता है। पीक वैल्यू का ये इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कभी ना कभी तो हमारी वो पीक वैल्यू जा सकती है ना। अगर ये हमारी वेव है तो यहाँ ये पीक वैल्यू, ये भी तो इस केबल को विदस्टैंड करनी पड़ेगी, ये भी तो झेलनी पड़ेगी, इसलिए पीक वैल्यू के हिसाब से बनाया जाता है। नेक्स्ट है इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है सर्किट का, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली होता है या उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XL इज इक्वल टू 2πfL, ठीक है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होता है 1/2πfC। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि हमारी एक इक्वेशन दे रखी है वोल्टेज की, इसमें हमको बताना है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन है 6 + 2 sin 2π × 100t। देखिए, इस इक्वेशन को देख के डरना नहीं है। जैसे ही हमने यहाँ पे देखा 2π, मतलब साइन की पूरी साइकिल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कंप्लीट हो चुकी है, और साइन वेव की पूरी कंप्लीट साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू हो जाती है 0। तो मतलब इस वाले भाग को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 0। तो सिर्फ बचा 6, और 6 ही इसका आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं, तो आप देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एक EMF इक्वेशन दे रखी है E = 8 sin ωt + 6 sin 2 ωt वोल्ट्स। अब इसकी RMS वैल्यू बतानी है। RMS वैल्यू निकालने का अगर दो इक्वेशन कंबाइंड दे रखी है तो फॉर्मूला होता है टोटल RMS का, कि आप जो यहाँ पे RMS वैल्यू है उसका स्क्वायर कीजिए, प्लस जो दूसरी RMS वैल्यू है उसका भी स्क्वायर कीजिए। और RMS वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू अपॉन √2। तो हम यहाँ पे यही वैल्यूज रख देंगे। पीक वैल्यू यहाँ से कितनी है, 8/√2 का स्क्वायर प्लस 6/√2 का स्क्वायर। ये यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा √50, जिसकी वैल्यू होगी 7.07, ठीक है। ये सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कैपेसिटर जो है वो किसके लिए इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब कौन सी वेव किस तरह के हमारे करंट को पास नहीं होने देता है। तो देखिए, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। ये आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर है, डायरेक्ट करंट आएगा वो पास नहीं हो पाएगा, अटक जाएगा। ये मैं सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ। और ऑल्टरनेटिंग आएगा तो वो इस तरह से पास होके चला जाएगा। और इंडक्टर के केस में उल्टा है, इंडक्टर में डायरेक्ट करंट पास हो जाएगा और ऑल्टरनेटिंग अटक जाएगा, ठीक है। तो याद करने के लिए कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट है हमारी ये वेवफॉर्म दी हुई है, इसमें बताना है कि मूविंग कॉइल एमीटर में क्या रीडिंग आएगी जिसकी पीक वैल्यू है 5 एम्पेयर। तो देखिए, मूविंग कॉइल एमीटर हमेशा एवरेज वैल्यू मेज़र करता है, ठीक है। और एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि हाफ वेव में अगर हमें निकालनी है तो जो पीक वैल्यू है अपॉन
पाई हम कर देंगे, तो पीक वैल्यू कितनी है 5, तो 5 अपॉन पाई इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं लेकिन हम देखकर डर जाते हैं। नेक्स्ट है पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है सीधे सीधे, जो कि होता है हमारा आर बाई जेड। ठीक है, ये मैं आपको पावर फैक्टर वाली वीडियो में बता चुका हूँ, उससे अच्छी पावर फैक्टर की वीडियो आपको यूट्यूब पर या कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं सजेस्ट करूँगा आप एवी क्लासेस की पावर फैक्टर की वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट दिया है, इसमें आपको पावर फैक्टर बताना है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, हमने अभी बताया था, जिसमें जेड होता है इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये होता है इम्पीडेंस का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे एक्सएल है तो यहाँ से आएगा अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये कैलकुलेट होकर आएगा 10। ये होगी जेड की वैल्यू, और आर की वैल्यू हमारे पास 6 है ही, तो पावर फैक्टर कितना होगा हमारा आर बाई जेड, मतलब 6/10, मतलब 0.6। अब जैसे कि ये इंडक्टिव सर्किट है तो 0.6 लैगिंग होगा। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली वीडियोस से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये वीडियो लाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पहले प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उनको तैयार करना होता है, फिर ऐसे पेजेस में लिखना होता है, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, और ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ मैं। और आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा पैसे मैं इससे कमा लेता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूंगा आपको कि कितनी अर्निंग होती है, बस ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और कभी भी मैं इसके लिए आपसे चार्ज नहीं करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और जितने ज़्यादा लोगों तक हो सकता है शेयर करें, वही सपोर्ट आपका मेरे लिए काफ़ी होगा। और अगर आप पसंद आती है तो आप कमेंट्स में मेंशन जरूर करें, अगर कोई सुझाव होता है तो भी दें, मुझे बड़ी खुशी होगी। इस क्वेश्चन में अगर हमें पावर कंज्यूम निकालनी हो तो पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अब कॉस फाई होता है पावर फैक्टर, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 0.6 होता है। वी और आई की वैल्यू यहाँ से दे ही रखी है वी आई, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा पुट कर देंगे 200 इंटू 20 इंटू 0.6, तो पावर कंज्यूम्ड आएगी 2400 वॉट। अब अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी आई साइन फाई। ये सब मैं पावर फैक्टर वाली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे होता है, यहाँ पे हर क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो वहाँ जाकर जरूर देखें। यहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे समझाने की। ये होगा वी आई साइन फाई। अब अगर कॉस फाई है 6/10, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल से देख सकते हैं, ये 6 है ये 10 है, तो ये 8 होगा, और साइन फाई होगा 8/10। ठीक है, और वी आई वैल वी आई की वैल्यू हमें पता ही है, 200 इंटू 20 इंटू साइन फाई होगा 8/10, मतलब 0.8, जिसकी वैल्यू आएगी 3200 वी ए आर। ठीक, अब है एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। जो करंट होता है वो दो पार्ट में होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट और एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू होती है आई कॉस फाई, और रिएक्टिव कंपोनेंट होता है आई साइन फाई। आई कॉस फाई निकालने के लिए हम 20 इंटू कॉस फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 0.6 रख देंगे, तो आएगी 12 एम्पेयर आंसर। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया था, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि इनमें से कुछ भी आपसे नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्यू फैक्टर जो होता है कॉइल का, वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो है वो क्या एम्पलीफाई करता है, वोल्टेज या करंट या दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है बोथ, वो दोनों को एम्पलीफाई करता है। रेजोनेंट सर्किट में करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है अगर सीरीज रेजोनेंट सर्किट है तो, और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में आपसे पूछा है क्यू फैक्टर का फॉर्मूला, तो वो होता है 1/R अंडर रूट एल अपॉन सी, ये होगा। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे देख सकते हैं कि पूछे गए हैं। नेक्स्ट है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में LC पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में लाइन करंट की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, वो लेस देन IL और IC होगी
इक्वल टू आई एल आई सी होगी, कैसी होगी? तो देखो वो होगी कम, जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होगा उसमें लाइन करंट की वैल्यू कम होगी इंडक्टिव करंट और कैपेसिटिव करंट से, ठीक है। अब डीसी जनरेटर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें पूछा गया है कि योक जो होता है डीसी मशीन का उसमें कितना फ्लक्स जाता है। मान लीजिए ये योक है और इसके अंदर ये पोल्स होते हैं, तो योक में कितना फ्लक्स जाता है? योक में जाता है हाफ फ्लक्स, 1/2 ऑफ द पोल फ्लक्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योक डीसी मशीन का बना किस चीज़ का होता है? तो वो बना होता है कास्ट स्टील का, ठीक। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है तो उसमें पैरेलल पाथ्स कितने होंगे? लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ्स होते हैं जितने भी पोल होते हैं, और वेव वाइंडिंग में होते हैं पैरेलल पाथ्स हमेशा 2, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, लैप में होंगे जितने पोल्स होंगे पी फॉर पोल्स, और वेव में होंगे हमेशा 2। अब पूछा गया है इनमें से कौन कौन से लॉसेस को मिलाकर अगर हम स्ट्रे लॉसेस बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रे लॉसेस होते हैं आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस। आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस को हम कंबाइन करके स्ट्रे लॉसेस बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटर जो होता है डीसी जनरेटर का, वो क्या एम्पलीफायर की तरह काम करता है, रेक्टिफायर की तरह, लोड की तरह? तो देखो हमें पता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो वो रेक्टिफायर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉपर लॉस इज कॉन्स्टेंट फॉर। डीसी मशीन्स में कॉपर लॉस सीरीज जनरेटर के लिए कांस्टेंट होता है या शंट जनरेटर के लिए कांस्टेंट होता है? तो मैं आपको बता दूं कॉपर लॉस हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, चाहे वो सीरीज जनरेटर हो चाहे वो शंट जनरेटर हो। नेक्स्ट है ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स डीसी जनरेटर की क्या कहलाती हैं? तो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स को हम मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल लोड स्लिप ऑफ अ 3 फेस इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर की फुल लोड स्लिप किस रेंज में होती है? तो वो होती है 2% to 5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी रोटर 3 फेस इंडक्शन मोटर का रोटर ब्लॉक्ड है तो उसकी स्लिप कितनी होगी? अब देखिए अगर रोटर ब्लॉक्ड है तो NR हो जाएगा 0 और स्लिप होती है NS-NR/NS। अब एन आर 0 हो जाएगा तो एन एस अपॉन एन एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो 1 होगी स्लिप। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एयर गैप कितना होता है 3 फेस इंडक्शन मोटर में, तो मैं आपको बता दूं एयर गैप होता है 0.4 mm to 4 mm। एयर गैप बढ़ाने घटाने के भी बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत सारे, मतलब उसके फर्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा इंडक्शन मोटर पे, वो मैं आपको डीप में 3 फेस इंडक्शन मोटर में बता चुका हूँ, आप वहाँ से जाकर जरूर देखें। अब सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड और स्लिप में एक रिलेशन पूछा है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है कि वो कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप में रिलेशन होता है ये एन इज इक्वल टू, ये एन आर कह सकते हैं इसको, एन आर इज इक्वल टू 1 - s × ns। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी कितनी होगी ऐसी 3 फेस इंडक्शन मोटर की जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, 4 पोल हैं और जिसकी रोटर स्पीड है 1350 RPM। तो देखिए एफिशिएंसी हम होती है 1 - s, जहां s होती है स्लिप। अब स्लिप कैलकुलेट करने के लिए आपको ns पता होनी चाहिए, ns होती है 120 × f/p। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी 50 रख दें और नीचे 4 रख दें पोल्स की जगह, तो यहाँ से आएगा 1500 RPM, ठीक है। अब स्लिप कितनी आएगी यहाँ से? 1500 - 1350 / 1500, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होकर आएगी 0.1, ठीक। अब यहाँ पे इस वैल्यू को रख देते हैं 1 - 0.1, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा, ये आएगा 0.9 और या फिर इसको हम बोल सकते हैं 90% एफिशिएंसी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस देन द करंट इन द स्टेटर वाइंडिंग। ये क्वेश्चन बताना है अगर स्लिप बढ़ती है तो स्टेटर वाइंडिंग में करंट पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं वो हमेशा बढ़ जाता है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाली ऐसी इसी तरह की वीडियो से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।